हेलो गाइस, वेलकम टू कार स्कूल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज हम आपके लिए रिव्यू करने जा रहे हैं ह्यूंडई एक्सेंट का। सो गाइस, ये है ह्यूंडई एक्सेंट। ये 2014 में लॉन्च हुई थी और इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है। और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 5,61,000 से और जाता है 8,58,000 तक। और ये वाइट कलर आप देख रहे हैं, डीजल वेरिएंट SX। इसका डिज़ाइन बेस्ड है i10 ग्रैंड पे। और इसमें कलर ऑप्शंस आते हैं रेड, सिल्वर, वाइट, ब्लू और डस्ट कलर। और सेफ्टी के अंदर गाइस, हमें इसमें मिलता है इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, एयरबैग्स, सीट बेल्ट, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स एंड इंजन इमोबिलाइजर। और गाइज, इसका कर्व वेट 1108 kgs का है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm की है। और कुछ ऐसी दिखती है एक कार फ्रंट से। और ये हैं इसकी स्टाइलिश हेलोजन हेडलैम्प्स, इन्हीं में हमें टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये हैं इंडिकेटर्स। और ये है ह्यूंडई का लोगो और क्रोम लाइनिंग। और कुछ ऐसा दिखता है कार का बम्पर। और ये है इसकी फॉग लैंप्स। और इसमें हमें मिलते हैं 14 इंच के एलॉय व्हील्स, स्टील व्हील का भी ऑप्शन है। और फ्रंट में हमें इसमें मैकबसन स्टड और पीछे कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। और ये है CRDI की बैजिंग। और ये है इसका साइड मिरर, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और ये है रूफ और वो है FM एंटीना। और जो लोग ह्यूंडई एक्सेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी कार है ये। और कुछ ऐसी दिखती है कार पीछे से। ये है इसकी स्टाइलिश हेलोजन टेल लैंप्स, ये एक्सेंट की बैजिंग, ये ह्यूंडई का लोगो और ये SX की बैजिंग। और ये है क्रोम लाइनिंग। तो आइए अब कार का बूट खोल के आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है कार का बूट। और इसमें हमें स्पेस मिलता है 407 लीटर का, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। और लोडिंग एरिया भी ज़्यादा नीचे नहीं है कार का। तो अब कार का स्पेयर टायर देखते हैं, एलॉय मिलता है या फिर स्टील व्हील मिलता है। तो ये है कार का स्पेयर टायर और इसमें हमें स्टील व्हील मिलता है। और गाइज, यहां से डलेगा इसमें डीजल। तो अब कार के पैसेंजर साइड डोर खोल के देखते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं कार के पैसेंजर साइड डोर। ड्यूअल कलर ऑप्शन में आती है ये कार। और ये हैं इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स और डोर हैंडल। और ये स्पीकर और थोड़ा सा स्पेस। और ये है लॉक हैंडल। और कुछ ऐसी दिखती है कार पीछे से, अंदर से। और ये है इसकी ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री। और हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिलेंगे। तो अब कार के अंदर बैठते हैं, लेग स्पेस बताएंगे आपको कैसा लेग स्पेस है कार का। तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है कार का। और ये हैं ग्रैब हैंडल्स। और ये पैसेंजर साइड डोर अंदर से। और कुछ ऐसा दिखता है कार का डैशबोर्ड,
थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील के साथ आती है, और ये हैं सीट पॉकेट्स, और रियर में एसी वेंट्स में मिलेंगे इसमें। तो चलिए ड्राइवर साइड डोर खोल के दिखाते हैं आपको। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। और ये है पावर विंडो के एंड साइड मिरर के कंट्रोल्स, और डोर हैंडल, ये लॉक का हैंडल, और ये थोड़ा सा स्पेस और बोतल होल्डर, और ये है स्पीकर। और कुछ ऐसी दिखती है कार फ्रंट से। और ये है इसके फ्यूल लिड और बूट ओपनर और सीट एडजस्टर्स, और ये है इसका बोनट ओपनर, और ये पेडल्स, और ये लाइट के कंट्रोल्स, और एसी वेंट। तो अब कार के अंदर चलते हैं। कुछ ऐसा दिखता है कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये शो करता है स्पीड, आरपीएम, रियल टाइम माइलेज, और दो ट्रिप मीटर मिलेंगे, और वार्निंग लाइट्स मिलती हैं इसमें। और यह है इसका स्टीयरिंग व्हील, इस पर कंट्रोल्स आते हैं, और ये हैं वाइपर के कंट्रोल्स, और ये लाइट के कंट्रोल्स, ये हैं इसके एसी वेंट्स। और म्यूज़िक सिस्टम में हमें मिलता है एफएम, यूएसबी, ऑक्स, सीडी के ऑप्शंस। और ये है इसका हैजर्ड लाइट का स्विच, और ये एसी के कंट्रोल्स, और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है, और ये थोड़ा सा स्पेस, और ये मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये दो कप होल्डर्स। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट में पैसेंजर साइड डोर। और यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर मिलेगा इसमें, और ये रीडिंग लाइट, और हमें यहाँ पे कार्ड होल्डर मिलेगा इसमें, और ये ऑटोमेटिक IRVM मिलेगा हमें कार में, ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आता है, और ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश। तो आइए अब कार का बोनेट खोल के दिखाते हैं आपको। गाइस कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन। इसमें हमें मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर CRDI इंजन, जो कि जनरेट करता है 73 BHP की पावर और 190 Nm का टॉर्क, और इससे हमें माइलेज मिलता है 20 से 23 का 43 लीटर के फ्यूल टैंक से, और इसकी टॉप स्पीड 156 किलोमीटर पर आर की है। और अब हम आपको इसके इंजन का साउंड सुनाएंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं हमें वीडियो आपको कैसा लगा।